नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज 28 सितंबर 2023 हो चुका है और हम हैं तोताराम जी की दुकान के ऊपर और आज के इस वीडियो के माध्यम से लहसुन के आपको अपडेट देने वाले हैं। कितनी तेज़ी के साथ बाज़ार खुला है, क्या आवक आमदनी है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। क्वालिटी अनुसार भाव भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे हो सर? बढ़िया है यादव जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया सर। हाँ जी, तो सर आज क्या बाजार खुला है लहसुन में? बाजार यही ऊपर में 160 रुपए, 150 से 160 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, लगातार वही भाव बने हुए हैं। बाजार यहाँ जयपुर में सेम रेट है, कोई तेजी मंदी का माहौल नहीं मिल रहा देखने को। सर जयपुर मंडी में जैसे अगर पीछे 180 रुपए बिकता है तो उसका असर 5 से 7 दिन बाद नजर आता है? जयपुर में कोई असर नहीं दिखता उसका, वो माल आते ही नहीं है जयपुर में। नहीं, फिर भी अगर पीछे 170 रुपये बिक गया तो वो जयपुर में नहीं आएंगे, वो बाहर जाएंगे। नहीं, वो आपके पास ठीक, जैसे कोटा में महंगा होता है तो लहसुन का असर जो यहाँ जयपुर में जो यहाँ असर इसलिए नहीं पड़ता है, कुछ तो क्या है यहाँ किसान आ जाते हैं। अच्छा जी, जैसे 4-5 पिकअप किसान हो गए आ गए तो बाजार वो उठने नहीं देते। बिल्कुल, उनके टैक्स तो लगता नहीं है, मंडियों से आता है जो माल उसमें टैक्स और भाड़ा लग के आता है। बिल्कुल, और जो अपने किसान लेके आता है उसका घर का माल होता है वो टैक्स नहीं जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस उसके मतलब वो भाड़ा भी प्लस नहीं करता उसमें। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आज और कुछ क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आपने 6-7 हज़ार कट्टे की जो बैलेंस होता है वो बैलेंस जब तक नहीं कटता है तो यहाँ पर वो कोई तेजी नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। सर आज कितनी आवक समझे? आवक यही है 700-800 कट्टे की आवक है आज। अच्छा जी। हाँ जी, 700-800 कट्टों की आवक है। आवक तो ठीक ठाक वही लगातार वही बनी हुई है। 700-800 कट्टे हैं, उसमें 200 कट्टे मेरे पास भी आए हैं। हाँ, आज आपके पास आए हुए हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कोटा मंडी की बात करें तो कोटा मंडी में कल के क्या पोजीशन? कोटा मंडी में बाजार परसों के थे, मतलब कोई कल उठा पटक नहीं थी। अच्छा जी, वो तेजी मंदी नहीं थी। आवक लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास। आवक इतनी थी, 3 से 4 हज़ार कट्टे की आवक थी दोनों मंडियों की लगा के। बिल्कुल सर। तो बाजार कहाँ तक देख रहे हैं सर अभी? तो देखो मेरे को कोई तेजी नजर नहीं आ रही भाई साहब। बिल्कुल, देखिए 1 तारीख बाद में जैसे गिराकी खुले, बाजार में गिराकी होनी चाहिए। तेजी मंदी जब देखने को मिलती है, तेजी जब देखने को मिलती है, तेजी तो है। अभी मान लो 150-160 बिक रहा है ऊपर में, नहीं पर गिराकी नहीं है सर। अभी प्रेजेंट का बाजार कम नहीं है, ये भी तेज खूब है। बिल्कुल सर, पर और अपन तेजी देखने चाहें तो अभी 1 तारीख बाद में, क्योंकि ग्राहकी ज्यादा होगी तभी तेजी होगी। बिल्कुल, जितना ग्राहक मार्केट में दिखेगा उतनी तेजी का रुख दिखेगा। सर जैसे आप लहसुन की बात करें क्वालिटी अनुसार, तो ये तो एमपी से लगता है मेरे हिसाब से। ये एमपी, क्योंकि इस कट्टी में आता है वो एमपी से आ रहे हैं, एमपी का माल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर क्या बिका है एमपी वाला? ये एमपी वाला 100 रुपए मान के चले, लड्डू मीडियम मिक्सेस में। अच्छा जी, ये वाला सर ये 85 रुपए। 85 रुपए? हाँ जी सर, ये 85 रुपए हो गए। ये लोग 70 रुपए था वो है जी, 70 वाला है ना, 70-75 वाला? नहीं, अभी 85 रुपए पोजीशन है, 70-75 वाला दूसरा लाट। अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला सर सामने, दो ये ले जाओ, तीन ये ले जाओ, 5 कट्टे हो जाएंगे, चीज बढ़िया है आपके लिए। 90 रुपए बेचना, 88 रुपए लग जाएगा। हाँ जी, ये वाला सर इनकी मान के चले 125 रुपए, 20 से 25 रुपए। ठीक है जी सर। एक ये वाला बॉम्बे, ये वाला 135-140 रुपए, 35-40, ये वाला 140 से 150 रुपए। अच्छा जी सर। हाँ जी, और कलियां सर? कली ये वाली 80 रुपए किलो, ये वाली 90 रुपए किलो। अच्छा, ये वाली 90 रुपए, ये वैसा 90 रुपए किलो। बहुत बढ़िया। बोलो क्या भाव पूछूंगा, 2 रुपए कम पूछ रहा हूँ आपके लिए। ये वाला सर? ये वाला 135-140, और जो सामने लगा हुआ है सामने 120। तो लगभग जो माल जो 70 वाला बता रहे थे, 70-75 ये होगा। ये वाला नहीं भैया, 80 में कोई माल नहीं है। अच्छा, ये वाला है? हाँ जी। और ये सर पीछे, ये तो ये 150 रुपए तुला हुआ है। अच्छा, 85 रुपए लगा हुआ है यार भाई। कितने कटे चाहिए आपको? 2 कटे तुलवा दे। तो सर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे, माल है जिनके पास बेचना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल, बाजार अभी भी अच्छे हैं, पीछे भी भविष्य में कोई मंदी तो दिख रही नहीं है।
मंदी के तो कहीं आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि देखो आसार तो नजर नहीं आ रहे, पर कुछ भी हो सकता है, ये सब्जी है ये। फिर भी सर सूखी सब्जी है, इसमें कोई वो नहीं है, बाजार सूखी गीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी प्याज की सोची क्या आपने, 3-4 रुपए किलो बिकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फिर भी ठीक है प्याज, ये पूरा सीजन 4-5 रुपए से लेके 10 रुपए प्याज बिकता है। पर सर अभी गर्मी का माहौल है, माहौल भी नहीं बनाया है, तो सर अगर जैसे माहौल बनेगा भाई साहब, तेजी मद्दी का कोई समय नहीं होता है, कभी भी आ सकती है, तेजी भी आ सकती है तो कभी मद्दी भी आ सकती है। पर चांस तो ज्यादातर कुछ से ऊपर जाने के नहीं, ज्यादा कोई, ये तो सोच है अपनी अपनी। बिल्कुल, ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही और भविष्य कुछ भी हो सकता है। ढाके खुलेगी तो थोड़ा सा माहौल तो बदलेगा। नहीं भाई साहब, अभी ये रुके पड़े माल तो पीछे बिकने लग जाएंगे, यही होगा, वैसे और क्या होगा। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता। अपने कॉन्टेक्ट नंबर है 9982330400, 9982330430, जिस किसान भाई को, व्यापारी भाई को माल बेचना है वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारा माल पूछ के बेचा जाता है, भाव से बेचता है। चलो जी सर, धन्यवाद सर।